हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करने जा रहे हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बहुत ही इजी वे से समझेंगे क्या होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इट इज द एवरेज कांस्टेंट स्पीड विद विच इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्टेड टुवर्ड द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। ये एक ऐसी एवरेज कांस्टेंट स्पीड होती है जिसके कारण इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ड्रिफ्ट करा जाता है टुवर्ड द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टर्मिनल से निकलता है और पॉजिटिव पर जाकर टर्मिनेट हो जाता है। अब हमें क्या पता है, VD इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 अप टू सोन VN तक, और नीचे हमने क्या लिखा, VN। अब हमें पता है, हमने इक्वेशन यूज करी V इज इक्वल टू U प्लस AT। तो V इज इक्वल टू U1 प्लस AT1, U2 प्लस AT2, U3 प्लस AT3 अप टू सोन UN प्लस ATN तक, और नीचे आ गया N। अब हमने क्या करा, VD, अब हमने यहाँ पर ना U1 प्लस U2 प्लस U3 अप टू सोन UN ये कॉमन ले लिया, इधर से A कॉमन लेकर T1 प्लस T2 प्लस T3 अप टू सोन TN ये कॉमन ले लिया। हमें पता है ये तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब हमारे पास क्या होता है, A T1 प्लस T2 प्लस T3 अप टू सोन TN, नीचे आ गया हमारा N। इसको हम क्या लिखते हैं, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। यहाँ पर कई बार आपको टाउ वन प्लस टाउ टू अप टू सोन टाउ एन तक भी दिख सकता है, तो हम इसको टाउ लिख सकते हैं, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। और हम एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन हमने निकाली, एक्सेलरेशन फोर्स इज इक्वल टू एम ए से हमने एक्सेलरेशन निकाली, ई बाय एम। तो हमने सिर्फ एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी, तो हमारी क्या आ गई, वी डी इज इक्वल टू ई टाउ बाय एम। इसको कैसे याद रख सकते हैं, वी डी इज इक्वल टू छोटा बड़ा टाउ उसके पैर में माउ। यहाँ से हम VD की वैल्यू यहाँ पे याद कर सकते हैं। होप आपको समझ आया होगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अगर आपको समझ आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।